हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें जो चीज हमने फाइंड करनी है वो कहते हैं फाइंड y2। इसका मतलब होता है आपने दो दफा डेरिवेशन फाइंड करनी है। एक दफा y1 होगी फर्स्ट डेरिवेशन और y2 होगी सेकंड डेरिवेशन। तो डेरिवेशन का वही मेथड है जिस तरह पिछली एक्सरसाइज के अंदर बयान किया गया था। अब इस तरह इसको आप आपने dy/dx के बजाय आपने लिखना है y1। फर्स्ट डेरिवेशन के लिए आपने y1 यूज करना है। तो डेरिवेशन आपको पता है पावर शुरू में आए थे, ये 2 था एज इट इज रहेगा, 5 शुरू में आया, 5 2s आर 10, x रेज टू पावर 4 माइनस 4 3s आर 12, x क्यूब प्लस 3 4s आर 12, x स्क्वायर प्लस x की डेरिवेशन आ जाएगी 1 और माइनस 2 कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डेरिवेशन होती है 0। अब ये तो इसकी फर्स्ट डेरिवेशन निकल आई। अब हम इसकी सेकंड डेरिवेशन जब लेंगे तो ये y2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 टेंस आर 40x क्यूब माइनस 12 3s आर 36x स्क्वायर आ जाएगा और 12 2s आर 24x और 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेशन होती है 0। फर्स्ट पार्ट तो सिंपल था, अब सेकंड पार्ट भी इसी तरह ही है लेकिन इसमें होल पावर की वैल्यू आ गई है। तो इसकी जब हम फर्स्ट डेरिवेशन लेंगे तो सबसे पहले तो पावर को सॉल्व करना, पावर शुरू में आ जाएगी 3 ओवर 2 2x प्लस 5 होल पावर। अच्छा 3 ओवर 2 में से ना अगर आप 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 1 ओवर 2 आ जाएगा, तो इसकी पावर आ जाएगी 1 ओवर 2। ये तो डेरिवेशन हो गई पावर की। अब जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है पावर के अंदर उसकी डेरिवेशन, तो 2x 2x की आ जाएगी 2 और 5 जो है कांस्टेंट उसकी डेरिवेशन आ जाएगी 0। और जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी y1 is equal to 3 into 2x plus 5 whole power 1 over 2। अब करेंगे क्या, फिर अब इसकी आपने सेकंड डेरिवेशन लेनी है तो ये आ जाएगा y2 तो 3 पावर 1 over 2 शुरू में आ जाएगी। इसकी हम डेरिवेशन लेंगे पहले पावर की, पावर तो शुरू में आ जाएगी 2x plus 5 whole power minus 1 over 2 रह जाएगी। वो कैसे, अगर 1 ओवर 2 में से अगर आप 1 माइनस करते हैं एलसीएम की तो ये आपके पास माइनस 1 ओवर 2 रह जाता है। अब ये तो हो गई पावर की डेरिवेशन। अब हम लेंगे जो इसकी पावर के अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसकी, तो इसकी आ जाएगी हमारे पास 2x की डेरिवेशन होती है 2 और 5 कांस्टेंट है इसकी डेरिवेशन 0 आ जाएगी, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। इसकी पावर माइनस में लिखी हुई है, इसको अगर ओवर के नीचे ले जाएं तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी और 1 ओवर 2 जो होता है ये अंडर रूट इक्वल होता है। तो इसको हम ले सकते हैं 2x plus 5 की पावर प्लस का 1 ओवर 2 या 1 ओवर 2 की जगह पे आप अंडर रूट लेते हैं। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हम सबसे पहले इसको आप पावर की सूरत में लिख लें, y is equal to इधर आ जाएगी x की पावर 1 ओवर 2 और इधर इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर आ जाएगी माइनस का 1 ओवर 2, नीचे प्लस का 1 ओवर 2 है ऊपर आकर क्या हो जाएगी माइनस का 1 ओवर 2। अब हम इसकी डेरिवेशन जब लेंगे फर्स्ट डेरिवेशन तो y1 is equal to power शुरू में आ जाएगी 1 over 2 x raised to power। अब जिस तरह हमने 1 over 2 में से 1 minus किया था तो हमारे पास रह गया था minus 1 over 2 plus। वैसे तो plus लिखना था लेकिन इसकी power भी शुरू में आएगी तो इसको हम क्या करेंगे, ये plus minus minus x raised to power, sorry 1 over 2 शुरू में आ जाएगा और x की power ये आ जाएगी आपके पास minus 3 over 2। कैसे, minus 1 over 2 में से अगर आप minus 1 करोगे तो ये आपके पास LCM लेंगे तो minus 3 over 2 रह जाएगा। अब हम इस तरह करें सेकंड डेरिवेशन भी साथ ले लें और लास्ट में पावर को प्लस कर लें। कैसे, y1 को y2 में चेंज करें, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी कोएफिशिएंट के साथ तो ये माइनस का 1 ओवर 4, अब इसमें माइनस 1 करोगे ये आ जाएगा माइनस का 3 ओवर 2, इसके ये माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2 2s आर 4 x रेज टू पावर, तो ये आ जाएगी माइनस 3 ओवर 2 में से माइनस 1 करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5 ओवर 2, यानी इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 5 ओवर 2। अब हम इसको क्या करेंगे, पावर प्लस में करेंगे तो इसकी पावर नीचे अगर प्लस हो जाएगी यानी कि आपके पास बन जाएगा 4x रेज टू पावर 3 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 4x रेज टू पावर प्लस का 5 ओवर 2। अब हम देख सकते हैं इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, 1 ओवर 4 कॉमन निकालें तो आप प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लें या इसको तरतीब इसको बाद में लिख लें, इसको पहले तब हल कर लें या इस तरह करें कोई डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि 3 ओवर x रेज टू पावर 5 ओवर 2 ये माइनस वाले के बाद भी लिखेंगे 1 ओवर 4 तो कॉमन आ गया x रेज टू पावर 3 ओवर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर भी आपने दो दफा डेरिवेशन फाइंड करी यानी y2 फाइंड करना है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं आपके पास दो वैल्यूज हैं तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा।
तो ये आ जाएगा y1 सबसे पहले जो फर्स्ट डेरिवेशन होगी इसको y1 लिखेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकंड टर्म e रेज़ टू पावर -x की -1 e की पावर -1 ऐसे ही आ जाएगी और इसकी पावर की डेरिवेशन -1 मिड में आता है प्लस अब e रेज़ टू पावर -x पहले लिख लें और x2 की डेरिवेशन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x। अब हम देख सकते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर दोनों वैल्यूज के अंदर e रेज़ टू पावर -x कॉमन आ रही है, इसको आप कॉमन निकालें e रेज़ टू पावर -x और आपके पास ये आ जाएगा -x2 प्लस का 2x। अब आप इसको तरतीब से लिख लें e रेज़ टू पावर -x 2x पहले आ जाएगा -x2 बाद में चला जाएगा, यानी कि माइनस वाली वैल्यू आप बाद में लिख सकते हैं। अब हमने इसकी क्या करनी है, सेकंड डेरिवेशन फाइंड करनी है। तो सेकंड डेरिवेशन में आप देख सकते हैं पावर रूल यूज हो रहा है, तो पावर रूल में फर्स्ट वैल्यू एज इट इज एंड डेरिवेशन ऑफ सेकंड टर्म। अब इसकी जब हम डेरिवेशन लेंगे 2x की 2 आएगी माइनस इसकी आ जाएगी आपके पास 2x मिड में प्लस। अब ये वैल्यू आप पहले लिख लें 2x माइनस x स्क्वायर और डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट टर्म। अब इसकी जब आप डेरिवेशन लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू एज इट इज आएगी, फिर डेरिवेशन ऑफ इसकी पावर की e की पावर माइनस x इसकी आती है माइनस 1। अब आप इस तरह करें कि ये वैल्यूज फिलहाल इस तरह लिखें e रेज़ टू पावर माइनस x 2 माइनस 2x। अब आप इस तरह करें ये जो वैल्यू ये प्लस माइनस माइनस कर दें और e रेज़ टू पावर माइनस x पहले लिख लें और 2x माइनस x स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि e रेज़ टू पावर माइनस x कॉमन आ रहा है, e रेज़ टू पावर माइनस x कॉमन निकाले तो आपके पास जो अंदर वैल्यू आएगी वो आएगी 2 माइनस 2x माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। अब हम इसको तरतीब से लिख लें e रेज़ टू पावर माइनस x, x स्क्वायर पहले आ जाएगा माइनस 4x प्लस 2। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जो सेकंड पार्ट है इसमें लॉग लॉगरिथम यूज हो रहा है, आप देखें लॉग की दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो उसको हम माइनस करते हैं। ये पिछली एक्सरसाइज के अंदर मैंने लॉग ऑफ लॉगरिथम बकायदा डिटेल के साथ यहां पर बयान किए थे। अब सबसे पहले आप इसको क्या करें, लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग नेचुरल लॉग सेकंड वैल्यू। अभी लॉग की फॉर्म में आ गया थोड़ी सी इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो फर्स्ट आप क्या करें, फर्स्ट डेरिवेशन जब लेंगे तो लॉग की डेरिवेशन होती है 1 ओवर वैल्यू 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई जो वैल्यू की डेरिवेशन 2x की डेरिवेशन होती है 2 माइनस लॉग की क्या होती है 1 ओवर वैल्यू 3x प्लस 2 और इसकी आ जाएगी 3। अब आप इस तरह करें इसका ओवर खत्म कर दें थोड़ी सी आसान हो जाएगा। कैसे, ये जो 2x को तो शुरू में लिख लें, इसको जब ऊपर ले आएंगे तो इसकी पावर माइनस 1 हो जाएगी माइनस इसी तरह 3 और इसके ऊपर ले जाएंगे तो इसकी 3x प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 1। अब आप इसकी डायरेक्ट सेकंड डेरिवेशन ले लें। सेकंड डेरिवेशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर y2 लिखना पड़ेगा, ये पावर शुरू में आ जाएगी माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 और पावर माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि डेरिवेशन में पावर 1 माइनस होती है। ये तो होगी पावर की डेरिवेशन। अब जो अंदर वैल्यू है उसकी डेरिवेशन लेनी है, इसकी डेरिवेशन होगी 2x की होती है 2 और 3 कांस्टेंट है उसकी 0 आ जाएगी माइनस 3, इसकी भी पावर शुरू में आ जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 का 3 3 x प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2 इसकी भी हो जाएगी पावर माइनस 1 होगी। ये तो होगी पावर की। अब इसके अंदर जो वैल्यू है इसकी आ जाएगी सिंपल 3x 3x की 3 आएगी प्लस 2 की कांस्टेंट है उसकी डेरिवेशन 0 आ जाएगी। अब हम इसको एक तो क्या करें मल्टीप्लाई कर दें दूसरे पावर प्लस कर दें। पावर कैसे प्लस होगी, पहले इसको मल्टीप्लाई करें ना 2 2 आर 4 माइनस 4, इसको अगर हम ओवर के नीचे ले जाएं तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी यानी कि 2x प्लस 3 होल पावर प्लस 2 प्लस 3 3 आर 9 ओवर इसकी पावर माइनस पर नीचे ले जाए तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी 3x प्लस 2 रेज टू पावर प्लस 2। अब आप इस तरह करें इस प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लें 9 ओवर 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आएगा 3x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये अब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 9 into 2x plus 3 का स्क्वायर माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी 4 into 2x plus 3 का होल स्क्वायर। अब ये सिंगल वैल्यू में आगे यहां तक इसको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपने y2 फाइंड करनी है यानी कि सेकंड डेरिवेशन फाइंड करनी है।
तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे आप ये 2x x square की तो डेरिवेशन आ जाएगी हमारे पास 2x। अब हमने जो डेरिवेशन ले रहे हैं वो x के हिसाब से ले रहे हैं, तो y2 की जो डेरिवेशन होगी वो आएगी तो 2y, ये तो हो गई पावर की, और y की डेरिवेशन होगी y1, नहीं जिसको dy और dx लिखते हैं। a जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप इस तरह करें जीरो में कन्वर्ट कर दें। अब आप इस तरह करें ये प्लस का 2x इसको उधर ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 2y, y1 is equal to minus का 2x, 2y इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा minus 2x over 2y, 2 2 के साथ कैंसिल कर दें तो ये आप बन जाएगा आपके पास minus x over y। अब आप इस पे सेकंड डेरिवेशन लगाएं तो ये y1 जो होगा चेंज हो जाएगा y2 में, माइनस आप एज इट इज रखें इसको पहले बाय। अब इस पे क्वोशेंट रूल अप्लाई हो रहा है, क्वोशेंट रूल में हम क्या करेंगे जो नीचे वाला टर्म होगी y का स्क्वायर ऊपर y पहले आएगा x की डेरिवेशन 1 माइनस, अब हम क्या करें x पहले लिखना और y की डेरिवेशन आ जाएगी y1। अब आप इस तरह करें यहां पर आप y1 की वैल्यू पुट कर दें, y1 की वैल्यू क्या होगी जो आपके पास ऊपर फर्स्ट डेरिवेशन निकली होगी वही y1 की वैल्यू होगी। इसमें आप इस तरह करें, एक तो काम डायरेक्ट यहां पे कर सकते हैं कि ये तो आ जाएगा ना y, इसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स ओवर y, तो वो माइनस और ये माइनस डायरेक्ट प्लस कर दें तो ये जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे x इंटू एक्स ओवर y आ जाएगा ओवर y का स्क्वायर। y2 इज इक्वल टू माइनस y प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर y, और जो नीचे वाले को स्लैश की सूरत में लेकर y स्क्वायर लिख दें। इसका अगर आप एलसीएम लें तो आपके पास ये वैल्यू बन जाती है y, ऊपर आपके पास बन जाएगा ये y y के साथ, सॉरी इसकी y एलसीएम आएगा तो ये y y के साथ मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बटे के नीचे बटा जाए तो नीचे मल्टीप्लाई को लट जाती है यानी कि 1 ओवर y का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम देख सकते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास था x square plus y square हो या y square plus x square हो तो ये equal to था a square, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है x square plus y square is equal to a square, इधर आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इधर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है माइनस ए स्केयर ओवर y को y square से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y क्यूब। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, सेकेंड पार्ट ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह है, इसमें भी x क्यूब की आप डेरिवेशन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और y क्यूब की लेंगे 3y स्क्वायर, ये तो पावर की होगी और y की डेरिवेशन आ जाएगी y1, a क्यूब कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेशन आ जाएगी हमारे पास 0। अब इसमें भी जिस तरह किया था ये माइनस की वैल्यू आप उधर ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर y1, 3 इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें 3x स्क्वायर ओवर 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y1, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी y1 is equal to x square over y square। ये तो होगी इसकी फर्स्ट डेरिवेशन। अब हम इसकी लेंगे सेकंड डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेशन में हम क्या करेंगे y2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका आप एलसीएम लेंगे तो y square का square जब लेंगे तो ये y की पावर 4 आ जाएगी, सेकंड डेरिवेशन ऐसे सेकंड वैल्यू होगी एज इट इज आएगी जो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट वैल्यू x square की आ जाएगी 2x माइनस अब फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी डेरिवेशन ऑफ सेकंड वैल्यू तो इसकी आ जाएगी 2y, ये तो पावर की होगी और इसकी y1। अब हम इसको तरतीब से लिख लें और y1 की वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास 2xy2 माइनस 2x2 y, और y1 की डेरिवेशन आपके पास पहले लिखी हुई ये कौन सी थी x2 ओवर y2 और ये y की पावर 4 आप इसको ओवर नीचे लिख लें। आप इसको एक दफा मल्टीप्लाई कर और इसका डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, इसका अगर हम डायरेक्ट एलसीएम लें तो हमारे पास ये y स्क्वायर आ जाता है, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2xy की पावर 4 आ जाएगी माइनस, ये तो इसके साथ कट जाएगा खाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2x रेज टू पावर 4y ओवर नीचे आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर y रेज टू पावर 4। अब ऊपर वाली वैल्यू हम देख रहे हैं इसके अंदर एक तो 2 कॉमन आ रहा है एक x कॉमन आ रहा है और y, यानी कि 2xy जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जो अंदर वैल्यू बनेगी वो बनेगी y क्यूब माइनस x क्यूब ओवर, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये y रेज टू पावर 6। अब इसके अंदर भी आपने इसी तरह करना है, ये जो क्वेश्चन है आपके पास x क्यूब माइनस y क्यूब ये इक्वल टू था a क्यूब के,
इसमें आप क्या करें, माइनस को अगर कॉमन निकाल लें या माइनस इसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो अंदर साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस टू एक्स वाई, तो ये बन जाएगा माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब ओवर वाई रेस टू पावर सिक्स। इसका आप इस तरह का एक वाई की पावर कैंसिल कर देंगे, फाइव रह जाएगी। अब देख सकते हैं वैल्यूज वो सेम ही है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको तरतीब से लिखें तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब भी बनता है, यानी कि ये जो x क्यूब माइनस वाई क्यूब है इसकी जगह पे आप a क्यूब लिख सकते हैं। यहां पर a क्यूब पुट कर ले तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस टू एक्स इंटू ए क्यूब ओवर वाई रेस टू पावर फाइव, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा माइनस टू ए क्यूब ओवर सर एक्स भी ओवर फाइव वाई। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा पार्ट नंबर जो इसका थ्री है, इसमें आप देख सकते हैं दो वैल्यूज अलग अलग दी हुई हैं और इसके अंदर जो एंगल इस्तेमाल हो रहा है वो थीटा इस्तेमाल हो रहा है। अब आपने इसकी जो डेरिवेशन है वो थीटा के हिसाब से करनी है। कैसे? ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा, तो कॉस थीटा की डेरिवेशन होती है माइनस साइन थीटा। तो इसको ए तो कोएफिशिएंट एज इट इज आएगा, ये इस तरह सिंपल लिख लेंगे माइनस ए साइन थीटा। अब हम y की लेंगे तो ये भी dy ओवर d थीटा साइन की होती है cos, तो ये आ जाएगा a cos थीटा। इसमें भी आपने 3.2.4 की तरह चैन रूल अप्लाई करना है बाय चैन रूल। चैन रूल में आप देख सकते हैं ना ये जो y1 होता है ये डेरिवेशन होती है, इसको हम dy ओवर dx की इक्वल लिखते हैं, y1 हो या y2 हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने dy ओवर dx बनाना है, तो dy ओवर dx बनाने के लिए हमें dx यहां पर नीचे चाहिए, तो इसको वैल्यूज को उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास d थीटा ओवर dx मल्टीप्लाई, ये जो वैल्यू है इसमें dy ऊपर है तो ये एज इट इज आएगी dy ओवर d थीटा। अब हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसको उल्टा के लिखेंगे माइनस a sin थीटा, ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई a cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा, तो ये आ जाता है आपके पास माइनस cot थीटा, और इसको हम लिख लेंगे y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेशन। तो इसकी जो सेकंड डेरिवेशन है इतना ही सिंपल, तो ये बन जाएगा हमारे पास cosecant square थीटा। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, इसमें भी दो वैल्यूज हैं और इसमें tr है वेरिएबल, तो t के मुताबिक आपने डेरिवेशन लेनी है, तो ये आ जाएगा dx ओवर dt ए टी स्क्वायर, ए तो कोएफिशिएंट एज इट इज आएगा, तो टी की क्या बनेगी 2at, तरतीब से मैंने लिखी यानी कि टी स्क्वायर की होती है ना 2t, तो a भी है तो 2at बन जाएगी। अब यहां पर जब हम आएंगे तो इसमें भी dy ओवर dt आ जाएगा और b एज इट इज आएगा, t की पावर 4 की आएगी 4t क्यूब, तो तरतीब से लिख लेंगे 4bt क्यूब बाय चैन रूल। चैन रूल के अंदर अब हमें जो फाइंड करना होता है वो है dy ओवर dx, अब हमें dx नीचे चाहिए तो इस वैल्यू को उल्टा देंगे तो ये dt ओवर dx आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये तो dy ऊपर एज इट इज आएगा dt। अब वैल्यूज पुट करें, इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, इसकी वैल्यू उल्टा के लिखेंगे 2at मल्टीप्लाई ये एज इट इज आएगी 4bt क्यूब, 2 2s आर 4, a की एक पावर सॉरी t की एक पावर कैंसिल हो जाएगी टी स्क्वायर, तो यानी कि हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 2b टी स्क्वायर ओवर a। अब ये तो हमारे पास आ गई फर्स्ट डेरिवेशन, इसको हम y1 की को लिख लेते हैं। अब हम लेंगे इसकी सेकंड डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेशन के अंदर यहां पर एक चीज याद रखनी है कि जो डेरिवेशन हम ले रहे होते हैं उसमें dx के हिसाब से ले रहे हैं, यानी कि अगर सिंगल वैल्यू हो तो उसमें तो हम चैन रूल नहीं लगा सकते, उसमें हमें जो चीज फाइंड करनी है वो y2 या बाहर मैंने क्या बताया इसमें dx नीचे आ जाता है, dx के हिसाब से डेरिवेशन लेंगे, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल यूज हो रहा है t स्क्वायर, तो इसकी जब डेरिवेशन हम लेंगे तो आप देखेंगे ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये y2 इधर लिखेंगे 2b और a ये तो कोएफिशिएंट है, ये आ जाएगा t स्क्वायर की डेरिवेशन होगी 2t, ये तो t स्क्वायर की होगी। अब क्योंकि x के हिसाब से डेरिवेशन ले रहे थे तो t की डेरिवेशन हमारे पास बन जाएगी dt ओवर dx, अब ये आ जाएगा 2 2s आर 4 bt ओवर a मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी dt ओवर dx, ये जो वैल्यू dt ओवर dx इसको उठाएंगे तो ये हमारे पास इसको वैल्यूज बन जाएगी 1 ओवर, यानी कि आपके पास ना dx ओवर dt तो आपके पास आया हुआ है ना 2at,
इसको उल्टाएंगे तो ये डी टी ओवर डी एक्स बनेगा जो यहां पर हमने पुट करना है, तो ये 1 ओवर 2 ए टी, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 1 ओवर 2 ए टी। अब हम देख सकते हैं 2 2s आर 4 और यहां पर हमारे पास जो इसकी वैल्यू है डी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी ओवर सॉरी 2 बी ओवर ए स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसका जो अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये आप एक्सरसाइज 2.4 के अंदर भी सॉल्व कर चुके हैं, उसमें तो सिर्फ था वन टाइम डेरिवेशन लेनी होती थी, इसमें आपने टू टाइम डेरिवेशन लेनी है, तो वन टाइम का वही मेथड होगा, एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन आएगी आपके पास 2x, वाई 2 की डेरिवेशन आएगी आपके पास 2y y 1, यानी कि y की जगह आपने y 1 ही लिखना है, प्लस 2gx, x की डेरिवेशन 1 होगी 2g, प्लस 2f, y की डेरिवेशन होगी y 1, और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो 0 होती है। अब हम इसमें इस तरह करें कि जो y 1 वाली वैल्यू मैंने इसको इस तरफ रखे, बाकी वैल्यूज को उठाकर उधर ले जाए, तो ये आ जाएगा 2y y 1 प्लस 2f y 1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का 2x माइनस का 2g। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि y 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 2y प्लस 2f इज इक्वल टू, इसमें से माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास रह जाएगा x प्लस g, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो y1 इज इक्वल टू, इसमें आप एक और काम भी करें कि इसमें से आप 2 कॉमन भी निकाल लें, 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा y प्लस f, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, अब आप इसको इस शेप में लिखें, यानी कि माइनस बार लिखें और अंदर x प्लस g और y प्लस f, ये तो होगी इसकी फर्स्ट डेरिवेशन। अब हम आते हैं इसकी सेकंड डेरिवेशन की तरफ, सेकंड डेरिवेशन में क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है y2, तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस f का स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेशन एज इट इज, सेकंड वैल्यू एज इट इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, x की होगी 1, g कांस्टेंट है उसको 0 आ जाएगी, माइनस अब फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी और डेरिवेशन ऑफ सेकंड टर्म, इसकी आपके पास आ जाएगी y, f की तो 0 होगी, y की आ जाएगी y 1। यहां पर आपने इस तरह करना है कि ये वैल्यूज तो आपके पास जो आ रही है ना y प्लस f, ये तो आई क्या इट इज माइनस एक्स प्लस जी, यहां पर आपने y1 की वैल्यू पुट कर देनी है, तो y1 की वैल्यू आपकी फर्स्ट डेरिवेशन थी। अब यहां पे इस तरह करें, आप देख सकते हैं इसके साथ भी माइनस है और इधर भी माइनस आ रहा है, अब इस तरह करें इस माइनस माइनस को डायरेक्ट प्लस करें और इसके साथ माइनस लिखने की जरूरत को नहीं, यानी कि यहां पर आप सिर्फ ये वैल्यूज पुट कर दें, ये माइनस माइनस डायरेक्ट यहां पर इसको आप प्लस कर दें, तो यहां पर ये आ जाएगी इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स प्लस जी ओवर y प्लस f और ये y प्लस f का होल स्क्वायर, ये आप ओवर की जगह लिख लें, ये जो वैल्यू आपके पास बनी हुई है y प्लस f ये आपके पास बन जाएगा। अब इसको बल किस तरह करें कि डायरेक्ट इसका आप एलसीएम ले लें, इसका अगर आप एलसीएम लें तो नीचे आप हमारे पास आ जाएगा y प्लस f, या एक ऊपर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखेंगे y प्लस f का स्क्वायर प्लस, ये तो काट जाएगी तो ये कैसी वैल्यू इसका, तो वैसे होल स्क्वायर बन जाएगा x प्लस g का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये और नीचे ओवर आ गया तो इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा दें तो y प्लस f का स्क्वायर बन जाएगा। अब आप इस तरह करें, इस दोनों फार्मूले को ओपन कर लें, इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये y2 था इज इक्वल टू माइनस y प्लस f का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2yf, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, मिड में प्लस यहां पर x प्लस g का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx या xg लिख लें जो भी, ओवर नीचे आपके पास जो वैल्यू बन रही है ये सेम वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो उसका क्यूब बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा y प्लस f का क्यू। अब यहां पर आपने इस तरह करना है, ये जो वैल्यूज है ना क्वेश्चन, यहां पर आपने वैल्यूज पुट करने के लिए ये वैल्यूज चारों इकट्ठी करके लिख लेनी है, यानी इसके अंदर दो चीजें जो है ना, अब देख सकते हैं हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी लिखा हुआ है, 2gx भी लिखा हुआ है और 2fy भी लिखा हुआ है, दो चीजें हमारे पास जो नहीं पा रही है वो f का स्क्वायर और g का स्क्वायर, इसको आप एंड पे लिख दें, कैसे माइनस इसको तरतीब से ऊपर वाले को लिख लें, जिस तरह वो क्वेश्चन लिखा हुआ था, पहले x स्क्वायर की फिर y स्क्वायर की फिर प्लस 2
जी एक्स प्लस टू एफ वाई, अब ये जो नहीं पा रही है इसको एंड पे लिख ले, ये आ जाएगा आपके पास प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर वाई प्लस एफ का क्यूब। यहां पर आपने इस तरह करना है, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, अगर हम क्या करें सी को उधर ले जाए तो सी उधर अगर माइनस को हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास जो वैल्यूज मान रही है यहां पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इज इक्वल टू मान जाएगा प्लस सी माइनस सी, यानी कि ये जो तमाम वैल्यूज है इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं माइनस का सी, तो इस तमाम की जगह पे हम माइनस सी पुट कर दें, माइनस सी प्लस आगे दो वैल्यूज एज इट रहेंगे, यानी कि यहां तक आ जाएगा माइनस सी प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर वाई प्लस एफ का क्यूब। अब आप माइनस अंदर साइन चेंज कर दें तो यह आ जाएगा सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर वाई प्लस एफ। हमारा टॉपिक आज यहां पे एंड होता है, इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।